चक्की चो बच्चा निकला एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कादी मेरे पैन पर ठीक होने के अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक है। अल्लाह पाक तन खुश रखे, बाद रखी जाए। जब लोग दे शुरू सुबह इतनी खूबसूरत है ना, देखो हल्की हल्की धुंद का मौसम हूँ, काफ़ी चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए अं सोचे कि चलो ना बाहर थोड़ा जहाँ जानी है। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि हम सर्दी घट होती है, तो बाहर का मंजर देखो कितना खूबसूरत हैगा, दरख्त हैगे, सब्जा हैगा, वाह सारा कुछ अल्लाह ताला दी कुदरत जड़ी ना बहुत प्यारी लग रही, माशाल्लाह हाय माशाल्लाह। चला हम थोड़ी देर तक ना सूरज ना निकलेगा तो बहुत ही खूबसूरत मंजर नजर आएगा, पिंदे उड़ते हैं कितने खूबसूरत लग रहे माशाल्लाह। अलहमदुल्ला घर पहुँच गए, घर पहुँचते साथ ही जो घर के जो काम से सारे किए करके, उस तो बाद नाश्ता वगैरह जो बना के नाश्ता भी अच्छी कर लिया, तो सफाई सफुई भी कर ली किचन के, एकदम चकाचक कर दिता, तो हूँ ना मैं थक गई सी, मैं इसलिए फिर बैठ गई। तीन चार दिन हो गए आटे का असं पता करते हैं, सूँ आटा मिल नहीं रहा है, तो अज असं किसी होर जगह पर जाने आटे का पता करके आने, तो अज सुबह असी नाश्ता जोड़ा ना चावल तो उबाइल किए नाल चाय जी नाश्ता असं किया वा। आटे दे बड़ी जड़ी ना किल्लत हो गई है पाकिस्तान दा, ए हाल है ते महंगाई तो हो ही हुई है लेकिन चीज़ लभ भी नहीं रही, लैणा दे विच खड़े होने हैं, आवाम बड़ी जलील ख्वार हो रही है। हां जी बेगम साहब, ये काटन कादे वास्ते काट लिया हैं, ये सेफ हमारे दे कपड़े ने दे विच रखनी, क्यों ओ कादे तो पता नहीं है मकाने से मकान तो छड़ना है। अच्छा अच्छा, तो सेफ अलमारी कपड़े धोते हुए कपड़े इन सारे खराब हो जाने फिलहाल, तू दो दिन चार दिन पहले नहीं ना इस्तेमाल दे। हाँ इस्तेमाल नहीं कर, हाँ उन्होंने कह रही है बेच रहा है। चलो चलो ठीक है, ना डर है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा आप चलिए आटा लेके आइए, हैं चल मिनट ला बोरी तोड़ा भी चुक लै, तो चादर भी चुक लै, हैं अपन आटा लभद टाइम लग जाना, मिनट ला छड़ दे, आ पंखा बिच पे उस दिन किन्ना पखा लभ्यागा बिच ही पिया है, इन्ना पखा लभ लभ के असि थक गए सी, साडा पखा जिहड़ा ना बिच काटन दे पिया, हीर बन जा हीर, मैं तेरा रांझा तू मेरी हीर है, ते होर बच्चे वेख लैंड क्रूजर लेके बैठे जी। पुरानी चक्की असी तो आटा लेना है सी, देखो लकड़ी दी फटियां वा ते थोड़ा बहुत लोहे दा इस्तेमाल कीता वा, देखो छोटे छोटे फटियां जोड़ के इन्होंने चादर जी बनाई है, एदे विचों दी रुई निकलदी है दबाने। माशाल्लाह ए चक्की वा, ये तो सानू आटा लभ्या अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दा शुक्र के रब्बे करीम ने सानू आटा लभा दिता, इत्थे भी रोई पिजाण वाली मशीन लगी है, देखो काफ़ी पुराना जड़ा है ना, पुराने वक्तों का सिस्टम है,
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾੜੀ ਕਾੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਜਣ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈਤੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਪਿੱਪਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਹ ਹੈ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਆ ਬੋਰਡ ਹਾਂ बेगम साहबा ने अपनी ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਟਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ठीक है एक ये ले कोई ना कोई हर एक काम बचा कपड़ा फाड़ के साफ कर मशीन नु सारे काम तेरे विच न्याणे वाले आ गए सारे न्याणे वाले काम कर दिए बेगम साहब बेगम साहब मिट्टी उत्ते देख किन्नी है ये साफ कर ले ते मैं आदी रानी नु साफ कर देनी जेडी मिट्टी ना भरी भरी है हां रानी अपनी नु साफ कर मसाज कर है बदलांगे सेटिंग करांगे फिर जाके सोना लगना वा उंज कर एदी चीजां बिखरिया रहनी अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़।